नोबा पर रिटेलर आईडी कैसे बनाएं? डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो लीडर ऐप का इस्तेमाल कर आप किसी भी व्यक्ति का रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। रिटेलर आईडी क्रिएट करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और नोबा पे एग्रीमेंट फॉर्म भरा होना चाहिए। इसके बाद आसानी से रिटेलर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं वेबसाइट हिंदी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबो पे रिटेलर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको लीडर ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऑनबोर्डिंग पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर रिटेलर पर क्लिक करना है। तो फिर से रिटेलर पर क्लिक कीजिए, प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इस बॉक्स में ओटीपी दर्ज करना है जो कि इस नंबर पर आया होगा। तो चलिए मैं दर्ज कर लेता हूँ। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर शॉप का पिन कोड टाइप करना है। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर फुल नेम टाइप करना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम टाइप कीजिए, उसके बाद लास्ट नेम टाइप कीजिए। अब आपको टेन मिनट कंडीशन के बटन पर टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ने के लिए डू इट नाउ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है और दूसरे नंबर का आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करना है। तो चलिए मैं बारी बारी से अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। यहाँ से क्रॉप कर लेना है फ़ोटो को, उसके बाद डन कर देना है। यहाँ पर देखिए पैन कार्ड का सभी डिटेल्स आ जाएगा, उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको डन कर देना है। याद रखिए फ्रंट साइड बैक साइड दोनों को अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए आधार कार्ड का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पर फुल नेम टाइप करना है। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही एड्रेस आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मैनुअल टाइप कर लेता हूँ। देखिए मैं एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लिया हूँ। अब डन कर देता हूँ। सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिए रिटेलर और रिटेलर शॉप डिटेल ऐड हो चुका है। आगे बढ़ने के लिए आपको डू इट नाउ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए रिटेलर का फोटो अपलोड करना है, ईमेल आईडी अपलोड करना है और यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर देखिए शॉप डिटेल टाइप करना है। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, तो एड्रेस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। डन कर देना है। यहाँ से सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। अब आपको आगे बढ़ने के लिए डू इट नाउ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए DMT और AIPS पर टिक करना है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर नोबो पे एग्रीमेंट को अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए तीनों कॉपी अपलोड हो चुका है, यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए रिटेलर आईडी क्रिएट हो चुका है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो चुका है। अब नोबो पे इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आईडी को एक्टिवेट करेगा। इस तरह से आप नोबो पे आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वेबसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।